मज़ा आया और अभी जा रहे हैं। पहले हम आए, फिर यहाँ पे प्रोजेक्ट्स देखे, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स थे, फिर बुक्स कलेक्शन की थोड़ी सी, बहुत अच्छे अच्छे बुक्स है, फिर बाद में प्रोग्राम भी अच्छे अच्छे गए छोटे छोटे बच्चों ने, फिर बस इतना ही बनना चाहिए। फिर हम लोग ZP हाई स्कूल डोरकिन से आए हुए और बहुत मज़ा किया, बहुत इंजॉय किया। ढोरकिन है एक गांव है शायद, तो वहां से ये लोग पार्टिसिपेट करने के लिए एजुकेशन एक्सपो औरंगाबाद में, आज है लास्ट डे एजुकेशन एक्सपो का, 22 तारीख है आज, तो देख सकते हैं ये सब लोग जितने भी आपको दिख रहे हैं ये जीव वगैरह, इसमें ये लोग सब आए और पार्टिसिपेट किए और इन्होंने अपनी इसके बारे में बताया कि ये लोगों को बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आकर एजुकेशन एक्सपो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम है एजुकेशन एक्सपो के अंदर, जो कि 16 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था और आज एजुकेशन एक्सपो का औरंगाबाद में जो आमखास में है, एजुकेशन एक्सपो का आज है लास्ट डे, यानी 22 दिसंबर है आज, तो आज ये एंड होने वाला है। तो मैंने सोचा कि एक थोड़ा सा आपको, मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था जब मुनव्वर जमा सर आए थे और बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर यहाँ पर आए थे, तो मैंने उसके बारे में वीडियो बनाया था। तो आज है लास्ट डे और एंड है आज, आज ये ख़त्म होने वाला है। तो आज भी मैं थोड़ा सा अंदर जाकर आपको दिखाता हूँ, जो कि अंदर के बुक्स वगैरह जो मैंने नहीं दिखाया था, एक्सप्लोर नहीं किया था, वो आज मैं एक्सप्लोर करूँगा और आपके साथ सब शेयर करूँगा। तो चलते हैं अंदर की तरफ और आज का लास्ट डे आप इन्जॉय कीजिए इस व्लॉग में। तो हम खड़े हुए एजुकेशन एक्सपो के एंट्री गेट पर, तो अंदर चलेंगे और आपको लास्ट डे का क्या एजुकेशन एक्सपो में चढ़ रहा है उसके बारे में कुछ एक्सप्लोर करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। तो बने रहे इस व्लॉग में। बहुत सारे अंदर ड्रामास वगैरह लोग बच्चों ने लिए थे स्कूल के, तो वो भी यहाँ पर चालू है। और आज का लास्ट डे है तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा कुछ बना लूँ यहाँ पर वीडियो वगैरह। लेना क्या आपको कुछ बोलेंगे? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम फातिमा उर्दू प्राइमरी स्कूल किरारपुर औरंगाबाद के तालिबात आज आपके सामने सोलर एनर्जी के बारे में मालूमात पेश करेंगे। उज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फबियय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तुम अपनी रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे? बेशक रब कायनात की लाजवाब नेमतों में से हम अल्लामा फ़ायदा उठाते हैं। इन लाजवाब नेमतों में से एक नेमत सूरज है। सूरज तवानाई का बुनियादी जरिया है। सूरज की रोशनी तवानाई का साफ और काबिल तजीद जरिया है। एक ना ख़त्म होने वाला जरिया है, जबकि उमूमन इस्तेमाल होने वाले कोयला और गैस काबिल तजीद और महफूज ज़राए नहीं है। एक दफ़ा ख़त्म हो गए तो बाकी नहीं बचते, जबकि उमूमन इस्तेमाल होने वाले कोयला और एक दफ़ा ख़त्म हो गए तो बाकी नहीं बचते। मेरा नाम हाजरा ज़ुबैर खान है। हमारा नाम नशरा नास तारिक खान है। हमारा नाम जिकरा है। माय नेम इज़ उम्मे कुलसुम मुनीर खान। माय नेम इज़ शेख अना मुजाहिद। माय नेम इज़ मारिया अंजुम शेख अजहर। क्या बोला भैया? ये प्रोजेक्ट के पास आए और हमने इसके बारे में कुछ मालूमात जाने। तो माशाल्लाह ये बच्चे हैं फातिमा उर्दू प्राइमरी स्कूल किराड़पुरा औरंगाबाद से, तो इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से हमको इसके बारे में एक्सप्लेन किया, बताया और सब लोगों के नाम भी बताया। आप देख सकते हैं ये सबकी मेहनत से इन्होंने ये प्रोजेक्ट तैयार किया। तो ठीक है, तो हम अंदर आ गए। अंदर आने के बाद यहाँ पे प्रोग्राम चालू है जो कि कुछ ही टाइम में ख़त्म हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। फ्रूट्स वगैरह के स्टॉल लगा हुआ है। थोड़ा सा आज के दिन दिखा देता हूँ मैं आपको। अरे कैसे ले जा रहे हो? मैं बिनू भाई, प्यास लगी तो यहाँ पर है रबड़ी गोला और मोहिउद्दीन साहब जी सर यहाँ से एक रबड़ी गोला ले रहे हैं। रबड़ी गोला
नहीं नहीं सॉरी, ये तो आप पी रहे तुम? हम खड़े हुए हैं स्टेट के सामने, और जो स्टेट पे जो है तो बच्चों का परफॉर्मेंस चालू है, और मैंने कुछ बच्चों का इधर से फीडबैक भी लिया जो चीज़ें उन्होंने बना कर लाए हैं, यानी जो भी प्रोजेक्ट तैयार करके लाए हैं बच्चों ने स्कूल के, तो मैंने उनके उनके प्रोजेक्ट भी देखा और उनसे कुछ बातें भी सुनी, तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगा। और आप देख सकते हैं मेरे सामने वो स्टेट है, और वहाँ पर जो है तो बच्चों का परफॉर्मेंस चालू है। तो फिर इसके अलावा हम दूसरा कुछ देखेंगे फिर व्लॉग में बनाने के लिए, कॉपरेट क्लेम आ सकते हैं मुझे। ये देखो ये मैदान है, यहाँ पर मुनव्वर जमा सर भी तशरीफ ला चुके हैं, उसके बाद में वली रहमानी भी यहाँ पर आए थे। और मुझे बहुत सारे कमेंट आए कि मैंने एक वीडियो में बात सुनी थी, मैं भी वहीं से शुरू करूंगा। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कुरान में मुतअद्दिद दफा इस बात का जिक्र आया है, बहुत ही बहुत। क्या तुम गौर नहीं करते मेरी जो खामी इसको दुरुस्त किया? पूरे मैं अभी तक एजुकेशन एक्सपो में कई मरतबा आया, लेकिन मैंने जो इस्लामिक रिसर्च एग्जीबिशन है, एग्जीबिशन एंड म्यूजियम, इसके अंदर नहीं गया हूँ मैं। तो मैं अंदर जाता हूँ और थोड़ा सा अंदर का एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा। चलते हैं अंदर और देखते हैं अंदर क्या क्या चीज़ें लगी हुई है। यह है एंट्री गेट, ये हमारी हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी चीज़ें लगी हुई है। और ऑलरेडी बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तो किसी से कुछ जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो डोंट टच द पैनल, और ये हमारे पहले के जो नोट्स वगैरह थे, ये है इस्लामिक रिसर्च सेंटर, और इसका जो म्यूज़ियम है हम लोग उसमें आए और यहाँ पर कुछ जानने की कोशिश की। बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं जो अलग अलग प्रोजेक्ट के जो चीज़ें हैं उसको एक्सप्लेन करके हम लोगों को बता रहे हैं, तो काफ़ी सुनकर हमें अच्छा लगा और मोटिवेशन भी मिला। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मोटिवेट करने वाली थी, तो ऐसे सारे चीज़ें लगे हुए हैं। ये हम इस्लामिक रिसर्च सेंटर म्यूज़ियम में है, जो कि औरंगाबाद आमखास मैदान में चालू है। देखिए ये नोट्स वगैरह है, और हमने म्यूज़ियम में हम उधर से आए थे, तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें हाइलाइट्स की और एक्सप्लोर की, कुछ कुछ चीज़ें की बस। तो हो गया मगरिब का टाइम और एजुकेशन एक्सपो आज एंड हो गया, तो हम निकलते हैं हमारे घर की तरफ, हमें जाना है। बहुत टाइम से मैं वीडियोस बना रहा था अंदर, तो मेरा सर भी दुखना स्टार्ट हो गया। तो यही कुछ था आज का वीडियो, मैंने अंदर का आपको सब दिखाने की कोशिश किया। आज का एजुकेशन एक्सपो का लास्ट डे था, तो चलते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, अच्छे से व्लॉग में। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।